जल संकट से निपटने के लिए पिपरिया के नागरिकों ने जल संरक्षण की दिशा में एक अनोखी पहल करते हुए नर्मदा की सहायक नदी मछवासा पर 80 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम बनाकर तैयार कर लिया, जिसे 26 जनवरी को सुंदरकांड के पाठ के साथ भंडारे के बाद नगर को समर्पित किया। इस स्टॉप डैम में लगभग 4 लाख गैलन पानी स्टोर हो सकता है, जिससे नगर के भूमिगत जल स्तर में काफी सुधार होगा। वहीं जल संरक्षण की दिशा में यह स्टॉप डैम मील का पत्थर साबित होगा। इस स्टॉप डैम को बनाने की शुरुआत 1 अप्रैल वर्ष 2018 से की गई। इसमें 80 लाख रुपयों की लागत आई, जिसका आधा पैसा नगर की जनता ने और आधा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया। इसे बनाने के लिए 84 दिनों तक महिलाओं और पुरुषों ने और हर वर्ग के लोगों ने श्रमदान किया। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां श्रमदान किया था और श्रमदान की फोटो शेयर करते हुए इस कार्य की जमकर सराहना की थी। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।